हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे सुरती खमन ढोकला, जो घर पे बहुत अच्छे से रेडी हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप जितनी चना डाल ली है, उसके अंदर थोड़े से मेथी दाना भी डाल लिए हैं और उसको सोक करने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दिया है। सोक हो जाने के बाद उसको हम एक मिक्सी जार में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चना दाल को निकाल लिया है और उसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और 3 चम्मच जितना यहाँ पर हम दही डालेंगे, जो नॉर्मल दही होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा वाला भी नहीं, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, मीडियम जो हम डेली का जो होता है दही, वही वाला इस्तेमाल करें। और उसको ढक्कन ढक के हमें पीस के बैटर रेडी कर लेना है। इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हमें थोड़ा सा दरदरा जैसा रखना है, इस टाइप का टेक्सचर होना चाहिए, आप देख सकते हो। और हमारा बैटर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमने बैटर को एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है और इसके अंदर हमने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया था, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी का पोर्शन रहेगा। तो हम इसके अंदर डाल लेंगे थोड़ा सा जो चने का आटा आता है, मतलब कि जो बेसन होता है, उसको हम डाल लेंगे। यहाँ पर मैं 2 चम्मच जितना बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेसन भी नहीं डालना है, थोड़ा सा ही, जिससे कि पानी को सोख ले, उतना ही हमें इसके अंदर बेसन डालना है और इसको करना है अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छे से बैटर को रेडी कर लें। अब यहाँ पर हमारा बैटर रेडी हो चुका है, तो बस हम इसको ओवरनाइट के लिए 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने ढक कर उसको छोड़ दिया है। सुबह में मैंने थोड़ा सा बैटर इस्तेमाल कर लिया था और दूसरा आधा बैटर इस तरीके से बचा हुआ है, तो बस हमें इस बैटर के ढोकला बनाना है। तो इस बैटर के अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें डालना है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, थोड़ी सी हींग डाल लेंगे और इसके अंदर हम तेल गरम करके डालेंगे, जिससे इसके अंदर अच्छे से झाग आए और उस जो हमारे जो ढोकला शाइनी बनेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम गरम तेल आता है, जो सिंग तेल रहता है, उसी का इस्तेमाल करना है। तो सिंग तेल को मैंने गरम करके इसके अंदर डाल लिया है, आप देख सकते हो। बस हमें तेल को डाल के यहाँ पर 2-3 चम्मच जितना तेल डालना है, उतना डाल के हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। अब यहाँ पर हम इनो का इस्तेमाल करेंगे, जो आप रेगुलर इनो चाहते हो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। इनो को मैंने डाल लिया है और इनो को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमें इनो को अच्छे से मेल्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर से झाग निकलेगी, तो झाग जैसा बैटर हमारा रेडी हो जाएगा, तो आप समझ लो कि हमारा बैटर रेडी है। फाइनली आप देख सकते हो उसके अंदर झाग जैसा दिख रहा है, तो हमारा बैटर रेडी हो चुका है। बस हमें ग्रीस की हुई थाली, जो स्टीमर आता है, उसी के अंदर रखना है। मैंने स्टीमर भी साइड में गर्म पानी डाल के गर्म करने के लिए रख दिया है, तो वो भी हो चुका होगा। तो बस हमें इसके अंदर बैटर डालना है और ग्रीस करना बहुत ज़रूरी होता है, तो ग्रीस करके ही डालें। तो मैंने थाली को ग्रीस कर लिया था, बैटर डाल लिया और अब हम स्टीमर में उसको 20 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे और छोड़ देंगे, ढककर हमें पका लेना है। तो 20 मिनट के बाद हमारा ढोकला रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर हमने थाली बाहर निकाल ली है और उसको ठंडा होने के लिए 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम साइड में जो ऊपर से वखार करके डालते हैं, वही करना है। तो हमें इसके अंदर थोड़ा सा राई, जो छोंक लगाते हैं वही लगाना है, तो थोड़ा सा राई डाल ली है। राई चटकने लगेगी तो उसके अंदर थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
मिर्ची डालते ही हमें मिर्ची की स्मेल आएगी, तो समझ लेना कि आपकी मिर्ची रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम ने काट के रखा है हरा धनिया और करी पत्ता। तो सबसे पहले करी पत्ता, थोड़ी सी हींग और यहाँ पर 2-3 चम्मच जितनी यहाँ पर शुगर डाल लेंगे। शुगर आप स्किप कर सकते हो, अगर आपको मीठा नहीं पसंद है तो आप ना डालें। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ और अब थोड़ा धनिया डाल के हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और धनिया भी पक जाए तो थोड़ा सा हम पानी डाल के ढक्कन से ढक देंगे। और यही सारी साइड में हमने यहाँ पर जो ढोकला है उसको कट करके मैंने एक बर्तन में ले लिया है। आप देख सकते हो बहुत स्पंजी बनते हैं, आप ज़रूर से बनाकर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारे ढोकला रेडी है, तो बस हमें जो हमारा बैटर जो हमने वो छोंक डालने के लिए तेल यूज़ किया है वही सारा इसके अंदर डाल लेना है। और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, आप जब डालोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ जिससे कि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। और फाइनली यहाँ पर मैं थोड़े से धनिया से गार्निश कर लूँगी और हमारे खमन ढोकला जो सूरत के फेमस है वो रेडी हो जाते हैं। तो आप बनाकर ज़रूर से ट्राई करें।